नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आपको लगातार फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिस के अलावा उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। तो उसी में आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो हमने एक रैपिड कोर्स चलाया हुआ है TGT फिजिकल एजुकेशन UP में जो रिक्वायरमेंट है, उसका एग्जाम होने वाला 8 मार्च को, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो हम एक सीरीज चला रहे हैं उसका आज ये तीसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। तो इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे आगे के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के रैपिड कोर्स के। इसके अलावा मैंने कल UP TGT 1999 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी अपलोड कर दिया है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि ताकि पीछे के क्वेश्चन पेपर से आप अनुमान लगा सको कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो भी ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे भी जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्वेश्चन से कि बास्केटबॉल की प्रतियोगिता, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता किस एशियन गेम्स से प्रारंभ हुई, मतलब पहली बार किस एशियन गेम्स में बास्केटबॉल प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1951 दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है 67 नंबर, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन ने पहली बार 1952 में किस शहर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, किस शहर में किया गया, 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा पहली बार बालकों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ कराई गई, छोटे बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन के द्वारा कब करवाई गई, कहाँ पे करवाई गई और कब करवाई गई, 68 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में 1955 में करवाई थी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल का वह कौन खिलाड़ी जिसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन खिलाड़ी था जिसे ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 69 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए, राजकुमार को जो है ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद अवार्ड कब स्टार्ट किया गया, 2002 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले, राजीव गांधी तो 91-92 में स्टार्ट किया गया, द्रोणाचार्य 1985 में स्टार्ट किया गया, अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी। फिर है सही सम्मिलित कीजिए, लिस्ट एक का लिस्ट दो से मैच करना है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम एज इट इज, 2011 अर्जुन पुरस्कार राजपाल सिंह को मिला, फिर 2010 में संदीप सिंह को मिला, 1967 में खुशी राम को मिला और 2010 में जुलन गोस्वामी को मिला। नेक्स्ट है 71 नंबर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी कब से प्रारंभ हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिकेट के गेम के हिसाब से भी और क्वेश्चन जो भविष्य के कम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिहाज से भी, ये स्टार्ट हुई थी 1934 में जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था उस समय में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई, भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट्स को हैंडल करता है या कंट्रोल करता है, उस बोर्ड की स्थापना पूछ ली यहाँ पे, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927। नेक्स्ट है, क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाने के उपरांत स्थापन खिलाड़ी मैच में यह कर सकता है, अगर क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को चोट लग गई उसके बाद उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाए, तो वह सिर्फ एक काम कर सकता है, सिर्फ क्षेत्र रक्षण कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्यतः कितने ओवर के बाद नई गेंद प्रयोग में लाई जा सकती है, तो कितने ओवर के बाद नई गेंद प्रयोग में लाई जा सकती है, तो यह है 75 ओवर्स के बाद आप नई बॉल का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टंप की धरती से ऊंचाई होती है, जो स्टंप है उसकी अर्थ से कितनी हाइट होती है, तो ये होती है 28 इंच, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, स्टंपों पर रखी बेल की लंबाई कितनी होती है, स्टंपों पर रखी बेल की लंबाई कितनी होती है, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 11.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बॉलिंग क्रीज की लंबाई होनी चाहिए, बॉलिंग क्रीज जहाँ पे बॉलर जिसको ऑपरेट करता है या बॉलर जहाँ से बॉल फेंकता है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये होती है 8 फुट 8 इंच, 8 फुट 8 इंच। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच के लिए सीमा रेखा विकेट से इतनी गज की दूरी पर होनी चाहिए,
तो कितनी गज की दूरी पर होनी चाहिए, मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है कि 75 गज की दूरी होनी चाहिए यहाँ पे टेस्ट मैच अगर आप करवा रहे हो तो। नेक्स्ट, यद्यपि सीमा रेखाओं की दूरी निश्चित नहीं होती, क्रिकेट में कोई फिक्स नहीं है, परंतु क्रिकेट से इन रेखाओं की दूरी होनी चाहिए, फिर भी एक नॉर्मली मतलब नॉर्म्स बना दिया गया स्टैंडर्डाइज की एवरेज सा कि इतना तो होना ही चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए यहाँ पे 79 में हो जाएगा 75 से 85 गज, हमने ऊपर पढ़ा 75 तो मैक्सिमम 85 कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, गली क्रिकेट में अलग अलग बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, तो क्रिकेट में तो चलता है भाई ऐसा। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय मैच में पहले खेलने वाली टीम पहली पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलोन दे सकती। कई बार सुनते हैं कि इंडिया ने फलाने कंट्री के साथ मैच था फॉलोन दे दिया, इंडिया का फलाने कंट्रीज के साथ मैच था फॉलोन नहीं दिया, दूसरी पारी खेल ली, तो जो इसका जो आंसर होगा ना 80 नंबर क्वेश्चन का, तो ये होगा ऑप्शन सी, कम से कम 200 रन से वो टीम आगे होनी चाहिए, उसके बाद फॉलोन दे सकती है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन हमारा, 3 दिवसीय मैच में पहले मैच खेलने वाली टीम पहली पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलोन दे सकती है। तो 3 दिवसीय मैच का यहाँ पे जिक्र आया है, वो 5 दिवसीय था, तो इसमें भी 150 रन तो कम से कम होने चाहिए, यानी कि पर डे 50 रन एडवांस कह सकते हो, और याद रखने के लिए बना लो भाई पर डे 3 दिन का मैच है, पर डे 50 रन एडवांस में, तो 150 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, 2 दिवसीय मैच में पहले खेलने वाली टीम पहली पारी के अंत में कितने रन से आगे रहने के पश्चात विपक्षी टीम को फॉलोन दे सकती है। अब 2 दिवसीय बात आ गई, तो 2 दिवसीय में क्या होगा यहाँ पे 100 रन पर डे 50 रन, ठीक है। नेक्स्ट, रन बनाते समय यदि खिलाड़ी रन आउट हो जाता है तो बनाई जा रही रन की गणना होती है, तो कैसे होती है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, रनों की गणना नहीं होती, अगर खिलाड़ी ही आउट हो गया तो रनों की गणना क्या होगी, सभी को पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थिति में नो बॉल दी जा सकती है, तो यहाँ पे अलग अलग स्थितियाँ दी जाती है, उनको पढ़ोगे तो किस स्थिति में नो बॉल दी जा सकती है, तो 84 का जो आंसर है हमारा डी, जो भी ये हैं सारी स्थितियों में नो बॉल दी जा सकती है, बॉलिंग करने वाला का पिछला पैर बॉलिंग क्रीज अथवा रिटर्न क्रीज के अंदर हो, क्षेत्र में न पड़े अथवा रिटर्न क्रीज और उसकी बड़ी हुई रेखा को छू ले। नेक्स्ट, बॉलिंग करने वाले के अगले पैर का कोई भाग भले ही धरती पर पड़ा हो अथवा हवा में हो, बॉलिंग करते समय पंपिंग क्रीज के पीछे न हो। नेक्स्ट, बॉलिंग करने वाला गेंद करने की रीति में परिवर्तन का संकेत ना दे, तो ये सारी चीज नो बॉल कहलाएंगी। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बीच बीच में वीडियो को लाइक जरूर करते रहे ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको ये क्वेश्चंस वैल्यूएबल लग रहे हैं इसलिए आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इसके लिए हेल्प हो सके। नेक्स्ट है, खेलने वाला खिलाड़ी नो बॉल पर निम्नलिखित परिस्थितियों में आउट किया जा सकता है, तो कैसे आउट किया जा सकता है, सिर्फ नो बॉल के ऊपर वो अगर रन ले तो रन आउट हो सकता है। यह जो ये ऑप्शन दिए, यह बैटिंग करने वाला गेंद को पकड़ ले, गेंद ने पकड़ ले तो भी आउट दे दिया जाएगा, नॉर्मल बात है, बैटिंग करने वाला खिलाड़ी जानबूझकर गेंद पर 2 बार प्रहार कर दे तो भी नो बॉल होगी, क्षेत्र रक्षण में बाधा डाले तो भी नो बॉल होगी और रन आउट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बैटिंग करने वाला खिलाड़ी यदि नो बॉल पर प्रहार करता है तो उस प्रहार के फलस्वरूप बनाए गए रन को क्या किया जाएगा, उस रन को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रन को खिलाड़ी के खाते में जोड़ दिया जाएगा। वाइड बॉल होती है, वाइड बॉल क्या होती है, वाइड बॉल होती है जब बॉलिंग, ऑप्शन ए इज राइट, जब बॉलिंग की गई गेंद इतनी ऊंची हो या विकेट से इतनी हटकर हो कि बैटिंग वाले खिलाड़ी की सामान्य स्थिति में पहुंच से बाहर हो। नेक्स्ट है, बाई का इशारा अंपायर तब करता है जब, कब करता है बाई का इशारा अंपायर, जब बैटिंग करने वाले के बैट अथवा शरीर से बिना छुए कोई बॉल बॉलर द्वारा की गई गेंद पास से निकल जाए और रन बनाए जाए, ठीक है, बिना उसको टच हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेग बाई का संकेत अंपायर तब करता है, लेग बाई का अंपायर
इशारा कब करता है एम्पायर? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब बॉलर द्वारा सही प्रकार बॉलिंग की गई गेंद बैटिंग करने वाले खिलाड़ी के हाथ को छोड़कर यदि उसके कपड़ों अथवा शरीर को स्पर्श करती है तथा उससे उस पर एक से अधिक रन बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यॉर्कर गेंद कहलाती है। यॉर्कर गेंद कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए वह गेंद जो बैटिंग करे खिलाड़ी के बल्ला रखने वाले स्थान पर जा गिरे, उसके बल्ले उठाने पर विकेट में जा लगे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बॉलिंग करने वाला खिलाड़ी अपने ओवर में किसी खिलाड़ी को आउट कर देता है परंतु रन न बनने दे तो वो ओवर कहलाता है, तो ये कहलाता है मैडन। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विकेट मैडन ओवर, मतलब विकेट भी ले ली और मैडन भी ओवर है। नेक्स्ट, यदि गेंद बैटिंग कर रहे खिलाड़ी के बल्ले के किनारे से छूकर निकल जाए तो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी हमारी 92 का क्वेश्चन, स्निक। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता कि स्निक किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है यदि बैटिंग करने वाला खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए आउट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर, डक। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली ही खेल से रिलेटेड कि डक किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। नेक्स्ट है बहुत फेमस टूर्नामेंट एसेज खेल प्रतियोगिता इन दो देशों के मध्य खेली जाती है, तो किन के मध्य खेली जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। नेक्स्ट है प्रथम बार दलीप ट्रॉफी का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया प्रथम बार दलीप ट्रॉफी का आयोजन 95 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए 1961-1962 में। नेक्स्ट है अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए यह ट्रॉफी दी जाती है, कौन सी ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में अंतर विश्वविद्यालय के लिए? 96 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंतर विश्वविद्यालय में, जो इंटर यूनिवर्सिटी बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो कौन सी ट्रॉफी, वो था इंटर यूनिवर्सिटी, यह है इंटर स्कूल में जो जीतता है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? ऑप्शन बी सी के नायडू ट्रॉफी। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस खिलाड़ी को इंग्लैंड की रानी ने क्रिकेट खेल में योगदान के लिए सर की उपाधि से अलंकृत किया था? किस खिलाड़ी को किया गया था? 98 में विविन रिचर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट में क्रिकेट के क्षेत्र में पाजी किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो पाजी सबको पता होगा, हरभजन सिंह को कहा जा सकता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है कपिल देव को किस वर्ष विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? किस वर्ष चुना गया? 100 नंबर क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कहूँ तो मैं, मेरे ख्याल से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति मतलब एक अलंकार होता है जहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो हम तो राइट बोलते हैं हमेशा। 100 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 2002 में कपिल देव को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ठीक है, तो अब बात, ये हमारे जो आज के जो क्वेश्चन थे 35 वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ज़्यादा क्वेश्चंस डालिए, लेकिन देखो अलग अलग लोड अलग अलग टाइम पे दिया जाता है, ज़्यादा क्वेश्चंस अब भी करने की जरूरत नहीं, अब भी हम ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रैपिड कोर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगा एग्जाम से पहले, इसलिए संयम बनाए रखें, धैर्य रखें, पेशेंस। आप एक दिन में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं याद कर सकते जितने कम दिए जाएं और क्वालिटी दी जाए आपको, क्वांटिटी में कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा ही क्वेश्चंस देखते हैं तो बार बार पिछले वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, तो इसलिए संयम बनाए रखें और साथ साथ बुक्स का रिविजन लेते रहें। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम पूरा करें, नहीं हो सकता। एक दिन में अगर पूरा हो गया तो आगे कल क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें डे बाय डे काम करना है, वो मत करें कि पहले स्कूल में जाते थे, गर्मियों की छुट्टी होती थी एक दिन में काम को निपटा के फिर पूरे खेला करते थे, या लास्ट वाले दिन दुखी होते, परेशान होते थे स्कूल का काम करने के लिए। तो इसलिए ऐसा ना करें, धैर्य बनाए रखें, संयम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों में। अगर हम नौकरी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को क्लियर करते जाइए, ताकि मतलब जो भी चीज़ हम करें वो 100% उसमें दे पाएँ। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि
मेरे द्वारा आपको ये जो टॉपिक्स टॉपिक्स तो नहीं कहूँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं 8 मार्च को जब आप एग्जाम में बैठें यूपीटी जीटी में या और भी कोई फिजिकल एजुकेशन का। उसके अलावा जो पीछे के मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना स्टार्ट करवा दिया है, तो एक मैं क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूँ 1999 का, तो वो भी आप देख लें चैनल पर जाके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।